नमस्कार, स्वागत आप सभी का मार्केट लाइव में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और मार्केट लाइव में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा होने जा रही है और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो इंपॉर्टेंट मुद्दा है आज का सरसों। सरसों की रिगार्डिंग आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे हमारे वीडियोस के ऊपर कि सरसों का इंटरव्यू लेकर आए किसी के साथ, तो आज हम पेश हैं आपके लिए सरसों की रिपोर्ट लेकर। सरसों जिसकी कीमतें हमने लगातार तेज होती हुई देखी थी, अब उसी ही कीमतें फंडामेंटल्स में मजबूती होने के बावजूद भी गिरावट की ओर जाती हुई नजर आ रही है। फंडामेंटल्स से मेरा यहाँ पे मतलब ग्राउंड रिपोर्ट से था कि सरसों का उत्पादन कैसा रह सकता है, पहले कैसा था, स्टॉक कितना है, खपत कैसी है। इन सभी खबरों के और इंफॉर्मेशन के मद्देनजर सरसों की में आगे तेजी रहेगी या मंदी, ये सब आज जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि सरसों की ऊपर अब सरकार भी तेज हो चुकी है, सरकार की भी पैनी नजर है, क्योंकि हाल ही में इससे पहले हमने देखा था कि जो सेबी है, सेबी ने सरसों के वायदा बाजार पर रोक लगा दी है जिसमें नई पोजीशनें नहीं बनाई जा सकती। सरसों जब तक सरसों के ऊपर सेबी का अगला आदेश नहीं आ जाता है तब तक NCDEX नया वायदा लॉन्च नहीं कर सकता है और जो करंट वायदा है उसमें से सिर्फ और सिर्फ निकलने की ही मंजूरी है। और वहीं पे बात करें अगर ग्राउंड लेवल की, तो सरकार ने भी सरसों के ऊपर यानी कि खाद्य तेलों के ऊपर स्टॉक लिमिट लगा दी है, जैसे कि सरकार ने इससे पहले दलहन के ऊपर लगाई थी कि दलहन का इससे ज़्यादा स्टॉक नहीं रख सकते, तो सरकार ने वैसे ही खाद्य तेलों के ऊपर लगा दी है स्टॉक लिमिट। और इस स्टॉक लिमिट लगाने से पहले सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च करा था, अपना सरकारी पोर्टल, जिस पर खाद्य तेल के व्यापारियों और बड़े मिल मालिकों को अपने खाद्य तेलों की तेल तिलहन की रिपोर्ट्स देनी थी कि इनके पास कितना स्टॉक है तेल तिलहन का, जिससे कि जो सरकार है वो कालाबाजारी पर रोक लगा सके और तेल के आंकड़ों का सही आकलन कर सके। लेकिन देख रहे हैं कि सरसों के जो फंडामेंटल्स है वो मजबूत होने के बावजूद भी अभी भी सरसों की जो कीमतें हैं वो लगातार गिरती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल हो क्या रहा है कि फंडामेंटल्स मजबूत हैं, जैसे कि सरसों का जो स्टॉक है पूरे भारत के अंदर बहुत ही कम बचा है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था जब पहले खबरें निकल के सामने आई थी कि भारत के अंदर सिर्फ 30 लाख टन का स्टॉक बचा है और किसानों के पास 14 से 15 लाख टन का, वो भी पूरे किसानों के पास नहीं है, सभी किसानों के पास नहीं है। कुछ किसान हैं जिन्होंने अपना माल अभी भी रोक कर रखा हुआ है, उन किसानों को इंतजार है कि कब नई फसल की आवक होगी और उनकी पुरानी सरसों के दाम बढ़ेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि जब नई सरसों की आवक होती है मंडियों के अंदर तो जो पुरानी सरसों होती है उसके दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो नई सरसों होती है उसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए पुरानी की पूछ परख उस समय ज़्यादा हो रही होती है और जो कीमतें हैं वो भी रिकॉर्ड लेवल पर देखने को मिल रही होती हैं। लेकिन अब देख रहे हैं कि जिस हिसाब से तेजी से सरसों की पेराई हुई है, तेल मार्केट में आया है, अब लोगों ने खबरें कुछ इस तरह से निकाली हैं कि पेराई मिलें बंद हो गई हैं। पेराई मिलें बंद नहीं इसलिए हुई हैं क्योंकि जो तेल था मार्केट में ज़्यादातर आ चुका है और सरसों की जो ऊंची कीमतें हैं उस पर हर कोई, जैसे छोटी पेराई मिल हुई तो वो खरीद नहीं कर पाई जिससे उनकी लागत नहीं निकल पाई। इसकी वजह से सरसों की जो पेराई मिल है वो ज़्यादातर बंद ही देखने को मिली और कुछ स्टॉक भी ख़त्म हो गया है क्योंकि सरसों की पेराई काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिली थी। तो अब सरसों का भविष्य कैसा रह सकता है, आगे सरसों का भाव आगे जाकर बढ़ेगा या घटेगा, सरसों की पूरी रिपोर्ट पूरा विश्लेषण जानेंगे आज इस मार्केट लाइफ की पेशकश में। और ये सब जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश शाठी जी एवं मार्केट टाइम्स के मेरे प्यारे दर्शक बंधु, किसान बंधु हो, मंडी के व्यापारी, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि आपने हमारे प्रोग्राम्स को बहुत प्यार और सम्मान दिया और अपने कमेंट्स जो मैं कमेंट बॉक्स में देखता हूँ तो जो आपके कमेंट्स है, जो आपके सुझाव हैं, जो आपका प्यार है, वो निश्चित रूप से मुझे आप तक नई नई रिसर्च लेकर आने के लिए मजबूर करता है। मैं शुक्रगुजार हूँ मार्केट टाइम के इस प्लेटफॉर्म पर अभी जो बेबाक होकर अपनी बात रखता है और हमें भी रखने लेने की इजाजत देता है। तो सरसों,
अब बहुत महत्वपूर्ण ऑयल सीड सरसों है, विशेषकर उत्तर भारत और मध्य भारत में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है और सरसों खाद्य तेलों के रूप में लगभग हर घर की पहली पसंद होती है। मैं खुद सरसों का खाद्य तेल के रूप में इस्तेमाल करता हूं, मुझे पता है कि इसकी और जो इसकी जो औषधीय गुण है वो जबरदस्त है। अब सवाल यह है कि सरसों की गणित क्या है, सरसों का विश्लेषण क्या है। आज भी सरकार ने खाद्य तेलों पर बेताशा तेजी को देखते हुए इंपोर्ट ड्यूटी कट की घोषणा की है, सूरजमुखी तेल के लिए पे भी किया है, पाम पे भी कुछ कटौती की संभव है कि इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की बात, क्योंकि ये डिटेल हम आप तक पहुंचाएंगे पूरा स्टडी करने के बाद। देखिए बहुत महत्वपूर्ण, जब हम एक आर्थिक जगत की बात करते हैं तो बहुत सारी दूसरे पॉइंट्स को भी हमें नजर रखना है। सरसों की फसल, नई फसल आने में टाइम है, ये अक्सर फरवरी मार्च तक आती है और अभी टाइम बहुत है। एक दूसरा, यूपी के इलेक्शन, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन भी बिल्कुल सर पर है, लगभग 4 महीने। तीसरा, त्योहारी जो मांग है, दशहरा और दिवाली और उसके बाद में एक लंबे समय के बाद विवाह यानी शुभ कामों के अंदर खुलना, चौमासे की समाप्ति होना और पेंडेमिक कोविड यानी कोविड-19 जो महामारी था उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो लगी हुई थी मूवमेंट की, त्योहारों की, सेलिब्रेशन की, शादी ब्याह की, उन सभी के ऊपर अब रिस्ट्रिक्शन खत्म हो रही है। तो इन सबको देखते हुए एक बड़ा सवाल आता है कि सरसों के भाव बढ़े या घटे। मैं आप लोगों से बार बार एक चीज बात करता हूं, फसलों के भाव बढ़ते हैं घटते हैं इसका सीधा असर किसानों पर पड़ता है, क्योंकि किसान ही वो तबका है, वो वर्ग है जो कि कृषि उपज को पैदा करता है और जब दाम उनको मिलना आता है तो उस वक्त अक्सर देखा जाता है कि फसलों के दाम कम हो जाते हैं और 3 से 4 महीने के बाद में वही फसल के दाम बढ़ जाते हैं। एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब खाद्य या ऑयल सीड हैं, तिलहन है, उस तिलहन के भाव चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे सरसों हो, चाहे पाम हो, चाहे मूंगफली हो या दूसरे जो है, वो सब लगभग काफी निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो खाद्य तेलों का तक जो कंज्यूमर तक पहुंचता है, उपभोक्ता तक पहुंचता है, उसके दामों में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा है। तो एक बड़ा सवाल है किसानों की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब आप फसल के जो दाम है यदि वो बढ़ते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा हो गया, लेकिन जब फसलों के दाम घटते हैं तो क्यों नहीं रेडी गुड्स या खाद्य तेल जो कंज्यूमर तक पहुंचता है, उपभोक्ता तक पहुंचता है, उसके दाम घटते। इसके ऊपर एक नियामक बॉडी या रेगुलेशन बॉडी भी होनी जरूरी है। जैसे जैसे फसलों के दाम बेताशा बढ़ते हैं तो सरकार स्टॉक लिमिट, इंपोर्ट ड्यूटी या दूसरे कड़े कदम उठाती है, उसी तरह से जब खाद्य तेलों के भाव फसलों के दाम घटने के बावजूद भी नहीं घटते तो उनके ऊपर भी कोई ऐसी सख्त नजर या पैनी नजर सरकार की होनी चाहिए। ये एक सजेशन है। अब महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि सरसों के भाव क्या रह सकते हैं। देखिए यदि हम अभी थोड़ा सा नियामक देखें, थोड़ा सा समझ लें कि ग्लोबल जहां तक आंकड़े उपलब्ध हो रहे हैं, एक ग्लोबल सरसों का जो उत्पादन है जो सन 2021-22 में लगभग 620 लाख टन की उम्मीद लगाई जा रही है, ये पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं। और यही भी गौरतलब है कि सरसों का उत्पादन लगभग 12 से 13 साल के निचले स्तर पर ग्लोबल लेवल पे हो रहा है पूरे विश्व के अंदर। और यदि हम सरसों का जो रिसर्च टीम मार्केट टाइम्स ने निकाला है, वो अखिलेश जी ने तभी कहा है, मैं सहमत हूँ कि सरसों का लगभग 30 लाख टन का स्टॉक की उम्मीद है, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। ये भी जरूरी नहीं है कि 30 लाख भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, लेकिन अनुमान है कि लगभग 30 लाख टन सरसों का स्टॉक है। और नई फसल सरसों की जैसे फरवरी मार्च में हर साल की तरह आती है, उसी तरह इस साल भी आने का अनुमान है। और
जिस तरह से अभी सर्दियां आनी चालू हो गई हैं और सर्दियों में सरसों का जो तेल का की जो खपत है वो काफी बढ़ जाती है, तो ये हमें पॉइंट समझना पड़ेगा। और एक जैसे एक और भी इम्पोर्टेंट बात रहती है कि जब नई सरसों, जब सरसों का फसल का बोने का समय होता है तो पुरानी सरसों के ऊपर ही दाव लगाता है किसान, क्योंकि उसमें नमी कम होती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी सुनने में आ रहा है, जानने में आ रहा है कि सरसों के अंदर, सरसों की जो पराई मिले हैं काफी तादाद में बंद है, विशेषकर जो पड़ोसी और मेवात इलाका है वहां पर सरसों की जो छोटे मझोले मिलर्स हैं उनको बड़ी परेशानी रही। और वो परेशानी सरसों की वजह से नहीं है, मेरा भी मानना यह है कि जब सरसों के दाम बहुत तेज थे और पाइपलाइन बिल्कुल खाली थी, तो जैसे ही सरसों की फसल आई वो कंजम्पशन काफी हुई, लेकिन मिलर्स ने 2 से 3 महीने का एडवांस माल नहीं रखा, कच्चा माल नहीं रखा। जब तक आप 3 से 4 महीने का, 2 महीने का, 1.5 से 2 महीने का कच्चा माल आपके पास नहीं होगा, आप मिल नहीं चला सकते। और ये तेजी मंदी का खतरा, तेजी मंदी के उतार चढ़ाव ये मिलर्स को झेलने ही पड़ेंगे। और ये भी महत्वपूर्ण है, यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपकी पूंजी 3 गुना होनी चाहिए, क्योंकि आपको माल के लिए भी पैसा लगाना पड़ता है, लेबर को भी देना पड़ता है, फिर रेडी आपको गोडाउन में भी माल रखना पड़ता है और बाजार में भी आपका पैसा रहता है। तो यदि मिल के पास में 3 गुने पैसे नहीं है तो वो मिलर चल ही नहीं सकता। होलसेलर के लिए कहा जाता है उसके पास डबल पैसा होना चाहिए, क्योंकि उसका स्टॉक भी मिनिमम मेंटेन करना होता है और रिटेलर्स को भी उसको पैसा उधार माल देना पड़ता है। और रिटेलर्स के लिए कहा जाता है कि उसको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है, वो रोटेशन में घुमा लेता है, उधर से माल लिया उधर से बेचा रोटेशन में घुमा लेता है। तो यदि आप मिलर्स हैं तो आपको 2 से 3 गुना 2.5 गुना आपको अपना फंड, आपकी वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए और आपको स्टॉक रखना चाहिए। यदि आप नहीं करते हो, सुबह शाम माल लेके काम करना चाहते हो, तो मिल नहीं चला सकते। ये एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी पॉइंट ये आ रहा है कि इस, जब अब सरकार ने तिलहन के ऊपर, सरसों के ऊपर, इन सब के ऊपर पैनी नजर रखनी चालू की है, इनके भावों में बेताशा बढ़ोतरी ना हो, आम कंज्यूमर, हर आम उपभोक्ता की जेब ढीली नहीं हो, एक बहुत अच्छा कदम माना जा सकता है। लेकिन फसल के बावजूद खाद्य तेल नहीं घट रहे हैं तो किसान को तो परेशानी होगी, लेकिन उपभोक्ता को भी पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा है। तो उपभोक्ता को लाभ नहीं मिलना, किसान को लाभ नहीं मिलना, तो फिर फायदा किसको है, ये एक बड़ा प्रश्न है। उपभोक्ता भी परेशान, इधर किसान भी परेशान, तो फायदा किसको, ये एक बड़ा प्रश्न है। इसके ऊपर भी कुछ बात होनी चाहिए, इसके ऊपर भी बहस होनी चाहिए, इसके ऊपर भी कदम उठाने चाहिए। अब जो मेन मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि आने वाली सर्दियों में, नवंबर दिसंबर जनवरी में क्या लगता है। देखिए, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के अंदर 2 महत्वपूर्ण ग्रह हैं, एक तो देवगुरु बृहस्पति, दूसरा है जुपिटर शनि। ये दोनों ग्रह बाजारों की तेजी मंदी को नियमित करने में बहुत महत्वपूर्ण इसका रोल होता है। और मुझे लगता है कि देवगुरु बृहस्पति और जो शनि, ये पहले मार्गी थे, अब सॉरी वक्री थे, रिट्रोग्रेडेड थे, और ये अब मार्गी हो रहे हैं। इससे धीरे धीरे मुझे लगता है कि ऑयल सीड के अंदर धीरे धीरे आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर मजबूती की संभावना बनेगी। और सरसों के अंदर जो किसान हैं, क्योंकि तो किसान के पास लगभग 15 लाख टन की उम्मीद लगाई जा रही है सरसों की है, और वो भी रुक रुक के माल ला रहे हैं, वो भी इजीली माल दे नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिन किसानों के पास क्षमता है, जिन व्यापारियों के पास क्षमता है, वो आराम से माल बेचें तो बेहतर रहेगा। और सरसों में कोई बहुत बड़ी मंदी आ जाए कि यहाँ से सरसों और 20-30% टूट जाए या 40% टूट जाए या 10-12-15-20% टूट जाए, ऐसी संभावनाएं संभवतः नहीं है, क्योंकि नई फसल में आने में अभी बहुत टाइम है। ये मेरा आकलन है। और दोस्तों, एक और विशेष बात, ये सभी आकलन फंडामेंटल एनालिसिस और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के सही तत्वाधान से किया जा रहा है। कोई भी निर्णय, व्यापारिक निर्णय लेने के लिए से पहले, कोई भी खरीद फरोख्त से पहले, कोई भी स्टॉक करने से पहले, आप स्वयं का अध्ययन, विवेक और अपने मार्केट, अपने जानकार यानी सलाहकार से भी सलाह ले सकते हैं। किसी भी प्रकार का नफा या नुकसान, किसी भी प्रकार का लाभ या हानि की जिम्मेदारी चैनल या मेरी नहीं रहेगी।
ये हमने आपको मानसून हो या फिर प्याज हो या फिर सोयाबीन हो या कपास हो, इन सभी के ऊपर अपने अपडेट दिए हैं और भारत की इस रहस्यमय विद्याओं की अक्सर जीत हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी अध्ययन रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी हालत के अंदर आप अपना लिमिट से क्रॉस ना करें। जो वायदे बाजार में तो सरसों का बरोक है ही, लेकिन फिजिकल बाजार में भी क्षमताओं से अधिक काम करना हमेशा से नुकसानदेह होता है। ये आप बिल्कुल बात सिरे से बांध लें, सिरे से समझ लें। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कमेंट्स अवश्य दीजिएगा, अपनी राय अवश्य दीजिएगा, इस प्रोग्राम को हम लोग आप तक कैसे बेहतर बनाएं ये भी इसमें अपने सुझाव जरूर दे दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। अखिलेश राठी जी। जी कर्नल अजय जी, तो जैसा कि हमारे एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी ने बताया कि सरसों में गिरावट आ जाए अभी इसकी आशंका नहीं है, और इसके पीछे काफी उन्होंने काफी सारे फंडामेंटल और टेक्निकल रीजंस भी बताए, जैसे कि ग्लोबली सरसों का जो उत्पादन है वो कम रह सकता है, यानी कि 13 साल के निचले स्तर पर रह सकता है, ऐसा उन्होंने बताया। और दूसरा, सर्दियां आ रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड बढ़ेगी, और दूसरा खपत भी डिमांड बढ़ती है, और अभी स्टॉक नहीं है इंडिया के पास, भारत में अभी सरसों का स्टॉक इतना नहीं है, और जो भी थोड़ा बहुत स्टॉक है अभी वो भी किसानों के ही पास है, किसानों के ही पास लगभग 14 से 15 लाख टन सरसों का स्टॉक होने की अभी बातें बताई जा रही हैं, खबरें निकल के सामने आ रही हैं जो अभी मंडियों से आ रही हैं, और किसानों ने वो माल अभी रोका हुआ है, और किसानों ने ऐसा फायदा उठाने के लिए रोका हुआ है अपना सरसों का माल, वो उन्होंने ऐसा करके काफ़ी अच्छा किया है, क्योंकि इसके पीछे भी रीज़न है और वो काफ़ी लॉजिकल रीज़न है, क्योंकि नई आवक आने में अभी समय बाकी है, फरवरी के भी मिड में या एंड में या मार्च के स्टार्टिंग में सरसों की नई अराइवल्स आएंगी, सरसों की नई आवकें आएंगी मंडियों के अंदर, तो जब आवकें आएंगी तो नई आवकों में नमी की मात्रा ज़्यादा होगी, तो जो पुरानी सरसों है पुरानी सरसों की जो कीमतें होंगी जो भाव होंगी वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो किसानों के लिए बेहतर रहेगा कि वो अपनी पुरानी जो सरसों है उसको अभी सोच समझ के बेचें, नई आवक आने दें, और इसकी वजह से ही सरसों की जो कीमतें हैं वो आगे उछलती हुई नज़र आएंगी, अभी और तेज़ होती हुई नज़र आएंगी। और दूसरा, कर्नल अजय जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही अच्छी बात कही, बहुत ही अच्छा सवाल दिया, वो ये था कि जब किसानों की फसल आने वाली होती है तब अगर ज़्यादा कीमतें ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं तो जो कंपनीज होती हैं, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर वो रॉ मटेरियल ज़्यादा लागत पे परचेज़ करेंगी तो उनकी भी जो लागत है वो बढ़ जाएंगी, और वो अपना प्रॉफिट कभी कम नहीं करती है, वो अपना प्रॉफिट हमेशा उतना ही रखती है, उतने ही अनुपात में रखती है अपना मुनाफा, जिससे कि जो आम उपभोक्ता होता है, जो एंड यूज़र होता है, उसको हमेशा जो एंड प्रोडक्ट है वो बढ़ी हुई कीमतों का मिलता है। तो इससे होता क्या है कि कीमतें बढ़ जाने का शोर मचता है, और इस अफवाह के जो रिजल्ट आता है, जो आउटपुट आता है, वो किसानों के ऊपर जाता है, किसानों का दोहरी मार पड़ती है। वो कैसे, जैसे कि अभी सरसों है, सरसों से सरसों तेल बनता है, अब सरसों तेल की कीमतें तो बढ़ रही हैं, तो एक्शन आया सरसों के ऊपर कि सरसों की कीमतें, सरसों दाना की जो कीमतें हैं वो ज़्यादा बढ़ रही हैं, इसकी वजह से सरसों तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो सब लोग एक्शन में आ गए, सरकार ने भी सरसों के ऊपर, खाद्य तेलों के ऊपर स्टॉक लिमिट लगा दी, पोर्टल लॉन्च कर दिया, छापेमारी भी ज़्यादा हो रही है, और ब्लेंडिंग भी रोक दी है, काफ़ी ज़्यादा फैसले लिए गए हैं सरसों की कीमतों को कम करने के लिए। लेकिन जब सरसों दाना की कीमतें कम हो जाती हैं तो सरसों तेल की कीमतें कम क्यों नहीं होती हैं, किसानों का सवाल ये उठता है कि जब उनकी फसल के दाम कम हो गए तो सरसों तेल की कीमतें कम क्यों नहीं हुई, तब सरसों तेल की कीमतें किसानों को और आम बाकी के आम उपभोक्ताओं को क्यों ज़्यादा मिलती हैं, तब तो सरकार को भी इन कंपनियों के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर कोई ना कोई ऐसा कड़ा कदम भी उठाना चाहिए, ऐसी कोई टीम तैनात करनी चाहिए, ऐसा मसौदा तैयार करना चाहिए जो कि इस पर भी नज़र रखे, क्योंकि कीमतें तेज होने पर अगर किसानों की फसल के दाम कम किए जा सकते हैं तो कंपनियों के भी कम किए जा सकते हैं, कि सरसों दाना की कीमतें घटाई जा सकती हैं तो सरसों तेल की भी घटाई जा सकती हैं। अब किसानों को तो फ़ायदा हो नहीं रहा, आम उपभोक्ताओं को तो फ़ायदा हो नहीं रहा, तो फ़ायदा हो किसको रहा है,
ये सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं मार्केट लाइफ के अंदर, इस पेशकश के अंदर। अपने इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में हमें लिख के जरूर बताइएगा। मुझे आप लोग दीजिए इजाजत। नमस्कार।